एनआईटी हमीरपुर में भर्तियों को लेकर राज्य कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने सांसद अनुराग ठाकुर पर निशाना साधा है। राणा ने कहा कि एनआईटी हमीरपुर में हुए भर्ती घोटाले पर अनुराग ठाकुर चुप क्यों हैं? राणा ने तंज कसते हुए कहा कि कहीं भर्ती घोटाले में किसी समझौते के कारण तो ये चुप्पी नहीं साधी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा नियंत्रित व संचालित एनआईटी हमीरपुर में भाई भतीजा व समुदाय विशेष के नाम पर अंधाधुंध भर्तियां हुई हैं। इस भर्ती भ्रष्टाचार के कारण जहां एक ओर पढ़े लिखे हिमाचली युवाओं के हितों पर डाका डाला गया है, तो वहीं नियमों को ताक पर रखकर निजी संस्थानों से पढ़े लोगों की भर्ती की गई है। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर एनआईटी में काम करने वाले सैकड़ों स्थानीय लोग संस्थान के पक्षपाती रवैये से आहत और प्रताड़ित हो रहे हैं। राणा ने कहा, क्योंकि एनआईटी हमीरपुर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अधीन आता है और अनुराग ठाकुर वर्तमान में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की ओर से जनादेश हासिल करके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में इस भर्ती घोटाले की जवाबदेही व जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि होने के नाते अनुराग ठाकुर की भी उतनी ही बनती है जितनी की संस्थान में चले भर्ती घोटाले की। लेकिन अनुराग ठाकुर है की वे इस मामले पर पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। राणा ने मांग की है कि एनआईटी में भर्तियों को लेकर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बड़े घोटाले को अंजाम देकर एनआईटी हमीरपुर का कार्यालय को छोटा उत्तर प्रदेश बनाने का सफल प्रयास किया गया है। राणा ने कहा कि क्योंकि ये मामला केंद्र की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अधीन आता है, ऐसे में अनुराग ठाकुर केंद्र में स्वयं बैठे हैं, तो इस भर्ती घोटाले की सीबीआई से जांच करवाकर स्थिति स्पष्ट की जाए। राणा ने कहा कि अगर ये जांच सीबीआई से होती है तो इस भर्ती घोटाले की परतों के उघड़ने से करोड़ों का गोलमाल सामने आएगा। राणा ने कहा कि इस भर्ती घोटाले के सामने आने के बाद एनआईटी हमीरपुर में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि पहले से मौजूद योग्य फैकल्टी भी इस भर्ती भ्रष्टाचार पर हाहाकार मचाए हुए है। सभी साथियों को नमस्कार। एनआईटी के मुद्दे को लेकर लगातार मैं आप लोगों के बीच में रहा हूं और बड़े अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि हमीरपुर में एनआईटी में लगातार पिछले लंबे समय से भर्तियों को लेकर जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है और एक ही बिरादरी के 66% लोग जो हैं वहां पर भर्ती किए गए हैं और हिमाचल प्रदेश के बाहर के लोगों को, खास तौर पर एक स्टेट के लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज एनआईटी का जो स्तर है, जो 13वें रैंक पर था, आज एनआईटी का रैंक जो है वो 98 स्थान पर पहुँच गया है। मुझे लगता है कि एनआईटी में जिस तरीके से भर्तियाँ हो रही हैं और ऐसे लोगों को भर्ती किया जा रहा है जिनको जिनकी डिग्रियाँ हैं वो अप टू मार्क नहीं हैं, और इसमें हिमाचल प्रदेश के जहां नौजवानों का नुकसान हो रहा है, हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को जो नौकरियां मिलनी चाहिए थी, जो पढ़े लिखे नौजवान हिमाचल प्रदेश में हैं, बाहर के लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं और हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ ये जो है अन्याय हो रहा है और धोखा हो रहा है। मैं लगातार मांग कर रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो एनआईटी हमीरपुर में है, इसमें लगातार भर्तियों को लेकर जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, इसमें सीबीआई की जाँच करवाई जाए। और मैं लगातार इस मुद्दे को उठा रहा हूँ कि एनआईटी जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है और एनआईटी के मुद्दे को लेकर सांसद जो है, जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री भी हैं, वो इसको मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। चाहिए ये था कि सांसद महोदय इस मामले को लेकर इंटरवीन करते, क्यों बाहर के लोगों की भर्तियां हो रही हैं, क्यों 13वें रैंक से 18वें रैंक पर जो है एनआईटी का रैंक पहुंच गया, क्यों यहां पर इसका जो स्तर लगातार गिर रहा है, हिमाचल प्रदेश के नौजवानों की जो हक हैं उनको क्यों मारा जा रहा है। इसलिए सांसद में भी जो है चुप्पी साधी हुई है और इसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है वो उनकी सहमति है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ जिस तरीके से ये धोखा किया जा रहा है, ये अन्याय किया जा रहा है और उनके हक मारे जा रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि एनआईटी जो क्षेत्र है वो सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में पड़ता है और लोकल विधायक के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि लोकल स्थानीय लोगों का जो है उनके हकों की रक्षा के लिए मैं लड़ाई लड़ू। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि बहुत बड़ा गड़बड़ी हुई है यहां पे, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा।